गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सर। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे आपको डिनोमिनेटर के नंबर को रेशनलाइज करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो आपका सोल्यूशन है, पहला आपका है 1/7। आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/7/7 तो 7, जब √7 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर वही आएगा, तो √7। और जब √7 मल्टीप्लाई करते हैं पे यहाँ पे आपका रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा √7/7, ठीक। आपका सेकंड क्वेश्चन 1/√7 - √6। अब जो डिनोमिनेटर का नंबर है यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस कर लेते हैं, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/√7 + √6 न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 - √6, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करने से आपको वही नंबर आएगा, √7 + √6, ठीक। अब जब ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 - √7 क्या होगा, आपका 7 आ जाएगा, √7 - √6 तो क्या हो जाएगा आपका, ये √42। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस आएगा, तो 6 से बन जा 42 √42। यहाँ पे √6 और √6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, माइनस -6, ये दो नंबर आपका कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये, और जब 7 से निकाल के आएगा 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, √7 + √6, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक। और थर्ड में क्या दिया होगा आपका, 1/ ये थर्ड, तो 1/√5 + √2। इसमें भी रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे चेंज करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा, 1/√5 + था तो यहाँ माइनस कर देंगे, √2/√5 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √2, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका ये, √5 - √2 √5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या 5 आया, √5 - √2 तो -√10 आया, यहाँ पे +√10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, √10 आया, √2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने का माइनस हो गया, ठीक। ये दोनों आपका कट गया, तो √5 - √2 अपान कितना जाएगा, 3 आया, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। फिर फोर्थ क्या आपका है, फोर्थ में 1/√7 - −2, इसमें भी रेशनलाइज करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√7 + √2 / √7 - √2, ठीक। तो √7 + 2 हो गया, तो √7 + √7 कितना हो गया, 7 हो गया, तो √7 + 2 √+√14 -2 √14 √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये √7 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, +2√7 यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो −2√7 √7 अब 2 = 4 - 4 हो गया, ठीक। तो
प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 आपका कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3। तो आपका क्या आया, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान 3, ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो।